नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे दीपक की, दीपक जो हम अपने घर में जलाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आप कोई भी पाठ पूजा कीजिए, चाहे आप अपने घर में एक सिंपल सी भी पूजा करते हैं तो बिना दीपक के वह पूजा अधूरी रहती है। आपने देखा होगा कभी भी हवन होता है तो जब तक अग्नि नहीं जलती तो वह हवन कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा सा लगता रहता है। जब अग्नि उज्ज्वल होती है, जब अग्नि हम जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वहाँ हमें एक ऐसी शांति, ऐसा सुकून महसूस होता है। और वो जो शांति आती है वो किस प्रकार आती है? वो आती है दीपक की रोशनी से। कैसे और क्या कुछ दीपक जलाने से हमें लाभ हो सकते हैं, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है यदि आप दीपक को जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आप तेल से ज्यादा अधिक महत्व माना जाता है गाय के घी का। जो लोग घी यूज करते हैं उन लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ गाय का घी ही इस्तेमाल करें दीपक जलाते समय। जो लोग घी का दीपक नहीं जला सकते वह तेल का दीपक भी जला सकते हैं, मगर तेल से ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है घी का दीपक। इसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है जब भी आप कोई पाठ पूजा करते हैं, यदि दीपक दिया अगर जल्दी से बुझ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अशुभ संकेत माना जाता है। और यदि दीपक बहुत लंबे समय तक जलता रहे, पूजा समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जलता रहता है, तो उसको शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं की विशेष कृपा आपकी पूजा में समा गई है, आपकी पूजा ठीक प्रकार से हुई है और आपको उस पूजा का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो लोग कहीं ना कहीं मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पूजा में यदि मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता पैदा करती है। नकारात्मकता कैसे पैदा करती है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम पूजा घर में मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती क्यों जलाते हैं, मोमबत्ती की जो रोशनी होती है वो कहीं ना कहीं आत्माओं को उजागर करती है, आमंत्रित करती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मोमबत्तियां नहीं जलानी चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है आप दिया अपने घर में जलाएं, अपने घर के चौकट पे दिया जलाएं। यदि आप नित्य रूप से अपने घर की चौकट पे घी का दिया जलाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं प्रवेश करेगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी। इसके साथ साथ ऐसा करने से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, वास्तु दोष समाप्त होता है। और साथ ही साथ कुंडली में यदि किसी प्रकार का दोष है तो केवल आप घी का दिया जलाने से अपने घर में उसको समाप्त कर सकते हैं। सुख शांति पैदा करता है घर में। और जितने भी, और इस चीज को साइंटिफिक लॉजिक भी दिया गया है, वैज्ञानिक तौर से भी ये एक तरह से प्रूवन है कि यदि आप गाय का घी का दिया जलाते हैं घर में तो आपके घर में नकारात्मकता के साथ साथ जो कीटाणु भी हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जो जर्म्स होते हैं वातावरण में वो भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है और सबसे पवित्र जानवर भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास केवल एक गाय में होता है, इसीलिए गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो नित्य रूप से गाय के घी का दीपक आप जलाइए और जितने भी आपके जीवन में दोष हैं उनसे छुटकारा पाइए।
इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। जय श्री राधे। उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।